अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका कोई ग्रह खराब है, आपकी कोई दशा खराब चल रही है, सबसे पहले आपके मन में यही विचार आता है कि उस खराब ग्रह को लेके मुझे दिक्कत होगी, मुझे परेशानी होगी, और ये भय आपको परेशान करता है। और हर कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे होते हैं और कुछ ग्रह खराब होते हैं, तो विचारों से अपने खराब ग्रहों को कैसे ठीक करें? जो ग्रह खराब है उसकी समस्या को समझें। जैसे मान लिया आपका मंगल खराब है, तो आप उसकी समस्या जानते हैं, कर्ज की शिकायत, ऑपरेशन की समस्या, बेवजह की दुर्घटना, चोट चपेट, विवाद, ये सब मंगल से जुड़ा रहता है। तो जो ग्रह आपका खराब है उसकी समस्या को समझें और लगातार ये विचार करें कि वो ग्रह मेरे लिए अनुकूल हो रहा है। आप मन में ये सोचें कि मंगल मेरा अच्छा है, मंगल मुझे शुभ फल देगा, मंगल की दशा में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, या जिस भी ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह मेरे लिए अनुकूल बना रहेगा, उसके परिणाम मेरे लिए अच्छे होंगे, शुभ होंगे। जब आप ऐसा निरंतर करेंगे तो उस ग्रह के अंदर आपके लिए शुभता आने लगेगी और उस ग्रह की शुभता से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। और आप निरंतर जब ये विचार करेंगे कि वो ग्रह शुभ हो रहा है, शुभ फल दे रहा है, निश्चित रूप से उस ग्रह की जो अशुभता है या जीवन में जो आपको अशुभ फल मिल सकते थे वो अशुभ फलों की स्थिति समाप्त हो जाएगी। लेकिन केवल विचार करने से नहीं चलेगा, विचार करेंगे तो 50-70% तक परिवर्तन ग्रहों में हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आप अपना आचरण और अपना व्यवहार भी ठीक बनाए रखिएगा। आप ये विचार करिए कि मेरा ये ग्रह बेहतर हो रहा है, मुझे जीवन में लाभ देगा, मुझे सफलता देगा, ये विचार आप जरूर करिए, लेकिन आप साथ ही साथ अपना आचरण अपना व्यवहार भी ठीक रखिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका बिगड़ा हुआ ग्रह बेहतर होगा। केवल आपके विचारों से ही आप अपने ग्रह के अशुभ प्रभाव को रोक देंगे। वैसे तो आप अपने विचारों से, अपनी सोच से ईश्वर तक की प्राप्ति कर सकते हैं, आपके विचार इतने शक्तिशाली हैं। मन में ईश्वर की भावना निरंतर लेते रहने से ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है, विचार इतने ताकतवर हैं। तो जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं आपकी, वो आप अपने विचारों से कैसे सुलझाएं? काम करते समय, आप कोई भी काम कर रहे हो, काम करते समय अपने मन में हमेशा अच्छे विचार रखें, अच्छे विचारों से चलें काम करते समय। खाना बनाते समय अच्छी सोच रखें, आप खाना खुश मन से बनाएंगे, प्रसन्न होकर बनाएंगी, खुशी के साथ खाना बनाएंगी, तो खाने के अंदर भी शुभता आएगी और खाने वाले को, बनाने वाले को, दोनों को लाभ होगा। तो खाना कभी तनाव टेंशन में मत बनाइए, खाना प्रसन्न होके प्रसन्न मन से अगर आप बनाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। मन में आनंदित रहें। देखिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो हमेशा दुखी, हैरान, परेशान रहते हैं। जितना आप मन में दुखी और हैरान परेशान रहेंगे, समस्याएं आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा रहेंगी। इसीलिए अपने मन में आनंदित रहिए, मन में जहां मौका मिले खुशियों का वहां प्रसन्न होइए और थोड़ा मुस्कुराना सीखिए, चारों तरफ से खुशियां आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी।
जिस व्यक्ति से आपके संबंध खराब हैं उसके बारे में अच्छा सोचें। वो व्यक्ति जीवन में तरक्की करे, जीवन में आगे बढ़े, मेरे और उसके संबंध मधुर हो जाएं। ऐसा निरंतर आप विचार करते रहिए, आपके संबंध उस व्यक्ति से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जो काम आपका फंसा हुआ है, नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में लगातार शुभ विचार रखिए। आप एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और प्रॉपर्टी बहुत दिनों से नहीं बिक रही है। आप अपने मन में निरंतर विचार करें कि प्रॉपर्टी मेरी बिक चुकी है, उसका अच्छा पैसा मुझे मिल चुका है। ये निरंतर आप विचार करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाएगी। यानी जो काम नहीं हो पा रहा है उसके बारे में अगर लगातार शुभ विचार रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। घर से आप कहीं भी निकल रहे हैं, अपने मन में अच्छे विचार रखकर निकलिए, आपका दिन बेहतर होगा। और रात का समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को सोते समय अच्छे विचारों के साथ सोइए। सुबह जब आप उठेंगे तो अच्छे विचारों के साथ उठेंगे। यानी रात को सोते समय भी आपको अच्छे विचार कर लेना जरूरी है ताकि आने वाला जो दिन है वो आपका बेहतर बना रहे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।